सिलेक्टर ने मांग आकर्ण कीजिए कि निष्पक्ष जांच सीनियर स्पेशलिस्ट को उपलब्ध कराई जाए इलाज के दौरान कितनी की लापरवाही डॉक्टर मेडिकल में आकर रह जाए भाई वो आज भी पेट में बात कर लगा था डॉक्टर को इलाज करवाने बस के लिए क्या पड़ता है भाई 8 घंटा भी वे सीनियर डॉक्टर भी जो इलाज की फाइल है इन्हें रीड कर दे मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट है रीड कर दे अपने भाई मन पूरा डाउट है कि इलाज में लापरवाही रही ये वजह वही इलाज सही हो तो इलाज अगर इनके कब्जे में नहीं था तो हमको रेफर कर देते इन्होंने रेफर भी नहीं किया वो तो तरीको ये भाई अपन को 8 घंटे रखा दी और 8 घंटे भाई साहब क्या नाम है और क्या मामला है? ये मामला हॉस्पिटल के बारे में है। कल 1:30 बजे यहाँ पे आया है, एडमिट किया गया है और उसका कोई इलाज के अंदर 8 घंटे तक कोई हुआ नहीं है। इसके लिए उसकी जो भी हम लोग करें भी डॉक्टर की तरफ से जो लापरवाही है या सीटी स्कैन के बारे में ये है और ये जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम बॉडी और ये नहीं उठाएंगे। मांग क्या है? मांग तो अभी ये सब शासन क्लियर करे तभी होगा ना। किस तरह से हादसा हुआ था, क्या हुआ पूरा बताइए। हमारी मांग ये थी, मांग हमारी आप तो एक्सीडेंट बता दें जांगिट समाज में रोज से पूरा कल 1:30 बजे हुए उतर लाई में। अपना नाम बताएं और क्या मामला है? हरी जांगिट में सामाजिक कार्यकर्ता बाढ़ में गांव मारूडी मारू समाज रहा बेड़ा जाठा जाऊँ। क्या मामला, क्या है मामला? एक्सीडेंट कल हुआ है उसका उतर लाई में एक्सीडेंट हुए काली बाईपास माथे ट्रक हाथ हुए उधर बाद में हट लिया मेरे ने पेशेंट ना और वो 8 घंटा तक अट तड़प तो रहे हो केयर को नहीं। अगर ऐसा इमरजेंसी का मामला था तो हाथों हाथ उन्हें करता बीमार ले जाता जोधपुर ले जाता गुजरात जाता है लोग गुजरात जाता कल भाई वहाँ छोटो एक गुजरात था गुजरात में आठ आया 7 घंटा में 8 घंटा में फूका नॉर्मल रात 9 बजे गए नॉर्मल आदमी है जबकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ आदमी ने न मानो को सीटी स्कैन बताई वो रिपोर्ट दी 8 घंटा रिपोर्ट नहीं दी और न उनका केयर हुआ। बॉडी जाँच बिल्कुल की नहीं है। ये वास्ते मामा रोज है समाज पूरे इकट्ठे हुए है वो एक और दादा वाला मैं डेड बॉडी उठावा को नहीं माना अगर न्याय मार पड़ो वो तो बाकी काम क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये निष्पक्ष न्याय होना चाहिए हमारे साथ जाँच ये होनी चाहिए कि लापरवाही हुई है मेडिकल की लापरवाही हुई है यही है सामने आनी चाहिए। आपने कोई रिपोर्ट दी पुलिस को? हाँ पुलिस मैंने रिपोर्ट दे दी है उनके खिलाफ प्रशासन मेडिकल मकाले मोहर खिलाफ भी दे दी और आज एप्लीकेशन और बना दी हुए एब और दे रहे हैं कलेक्टर साहब ने भी दे रहे हैं। सर क्या मामला था? कल दिनांक 12/9/2021 को करीबन दिन को 1 बजे के उत्तलाई रोड पर एक ट्रक और एक एक्टिवा स्कूटी के बीच में आपस में एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मजरूब नवला राम पुत्र श्री भगवाना राम जाति सुथार उम्र 51 वर्ष निवासी सीतका पार पुलिस थाना नागाना के गंभीर सिर पर चोटें आई थी। पुलिस हम मौके पर गई पुलिस थाना ग्रामीण मौके पर गई मजरूब को लाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और दोनों वाहनों को दस्तियाब कर थाना लेकर आए। फिर शाम के समय पुलिस थाना नागाना के अंदर उक्त घटना के बारे में मुकदमा दर्ज हुआ जो अनुसंधान जारी है। रात को मजरूब नवला राम के हॉस्पिटल बाड़मेर में इलाज के दौरान रात को मृत्यु हो गई थी जिसकी डेड बॉडी अभी शव मृतक का मोर्चर रूम बाड़मेर में है और अभी परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की कुछ लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है। इस वजह से इनका समाज आपस में वार्तालाप कर रहा है।